कॅप्टन सायबरमध्ये आपलं स्वागत आहे. जो हमारा इस कर्म क्षेत्र में रोल है उसमें हमारा ये लक्ष्य है कि स्वर्ण भारत बनाना है. लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने रोल से हटकर सिर्फ खुद से पूछते हैं पर्सनल, हम में से कौन कौन रेडी हैं कि हम स्वर्ण भारत बनाने के लिए अपना योगदान देने के लिए रेडी. पर्सनल प्रोफेशनल पर्सनल कौन कौन पर्सनली स्वर्ण भारत बनाने के लिए बैठे. आप सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, फोटो भी खींच रही. स्वर्ण भारत अर्थात क्या? स्वर्ण भारत अर्थात सत्योगी भारत, सत्योगी भारत अर्थात सत्योगी संस्कार, क्योंकि संस्कारों से ही संसार बनता है. अगर हम सब रेडी हैं कि हम सत्योगी भारत बनाएंगे, सारी दुनिया कह रही है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, अर्थात भारत के पास वो विधि है जिससे स्वर्णिम दुनिया बनाने की सिद्धि प्राप्ति हो सकती है, और वो है हमारे सत्योगी संस्कार. जो हम सब तीन दिन निकाल कर आज यहाँ आए हैं, शादी भाई ने बहुत प्यार से कहा कि गणेश चतुर्थी के समय अपने घर छोड़कर हम सब यहाँ आए हैं. लेकिन एक्चुअली हम छोड़कर नहीं आए हैं, हम जैसा बनने आए हैं, बनने आए हैं ना हम जैसा. श्री गणेश जी की महिमा में तो बहुत सारे सुंदर हम सब सुनते आए हैं, लेकिन दो बातें जो हम सबके लिए पर्सनली बहुत एप्लीकेबल है. श्री गणेश जी को कहा जाता है विघ्न विनाशक गणेश. अब एक है हम उनकी महिमा करें कि आप विघ्न विनाशक गणेश है, वो तो है ही, लेकिन हमें से कौन रहे हैं आज के मुझे भी अपने जीवन में औरों के जीवन के लिए विघ्न विनाशक दूसरों के भी और अपने जीवन के विघ्नों को समाप्त करना है, देश के अंदर आए हुए विघ्नों को समाप्त करना है. तो हम बनने के लिए रेडी हैं विघ्न विनाशक आत्मा. यस रेडी हूँ. और जब हम विघ्न विनाशक आत्मा बनेंगे तब हम दुख हरता सुख करता ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, क्योंकि सबके दुख हर के उनको सुख देने वाले आत्मा बनेंगे. और उसी के लिए हम यहाँ आए हैं कि गणेश जी छोटा सा बालक जिसने अपने पिता को नहीं पहचाना, और पिता ने क्या कर दिया कि उस बालक के सर को काट दिया, और फिर उस बालक के सर को काटने के बाद उस सर की जगह उसको जो सर दिया वो है ज्ञान मान, कई राजों से भरपूर गुण मूर्त वो सर उस बच्चे को दिया. तो हम सब भी यहाँ तीन दिन आए हैं अपने अहंकार रूपी सर को काटने के लिए, और उसकी जगह श्री गणेश जी जैसा सर हम सबको भी आज मिल जा रहा है. रेडी है ना अपना सर काटने के लिए? अहंकार कहाँ दिखाई देता है? कहते देखो इसका सर कितना ऊंचा हुआ है, क्योंकि अहंकार सर में दिखाई देता है, ईगो. तो श्री गणेश जी अर्थात ईगो को खत्म करना, और ईगो को खत्म करके विजडम वाला सर लगाना. तो जब हम श्री गणेश जी की वंदना भी अभी सुन रहे थे, महिमा सुन रहे थे, तो एक एक श्री गणेश जी के चेहरे में एक एक चीज जो है वो हमें दुख हरता सुख करता विघ्न विनाशक बना सकते हैं. तो आज हम उनमें से एक एक चीज को धारण कर लेते हैं. आज दिन तक महिमा की पूजन किया, लेकिन आज उन जैसा बनने की प्रतिज्ञा करते हैं. तो सबसे पहले श्री गणेश जी का जो मस्तिष्क दिखाया जाता है वो बहुत ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा होता है, अर्थात इंटेलिजेंट भी है,
लेकिन साथ में विजडम भी है। इंटेलिजेंस और विजडम में क्या फर्क है? इंटेलिजेंस अर्थात बाहर की दुनिया के बारे में इंटेलिजेंस, और विजडम मतलब जो आंतरिक जगत है, हमारे संकल्पों का, हमारे संस्कारों का, उसकी नॉलेज, उसकी इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंट भी है, हम वाइज भी हैं। तो हम सब हैं इंटेलिजेंट भी और वाइज भी। अब सिर्फ ऋषि गणेश जी को नहीं देखना, उसको अपने सर पर लेकर आना है कि हम सब भी सिर्फ बाह्य जगत की नॉलेज नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, यहाँ तक कि दूसरे प्लैनेट पे क्या हो रहा है वो भी हमें पता है, लेकिन मेरे मन में क्या हो रहा है, मेरे संस्कारों का क्या हालचाल है, उस तरफ कई बार कम ध्यान जाता है। तो इंटेलिजेंस के साथ विजडम भी कैसी है? बनाने अपनी आंखें फटाफट से, वैसे श्री गणेश जी की आंखें कैसी है? एकदम छोटी आंखें, मस्तिष्क इतना बड़ा पर आंखें इतनी छोटी। तो आंखें छोटी अर्थात दूरादेशी आंखें, जब हम कहीं दूर देखते हैं ना तो हमारी आंखें एकदम छोटी हो जाती हैं। तो दूरादेशी आत्मा अर्थात कोई भी कर्म करने से पहले, और इस पर अटेंशन कर लीजिएगा, कोई भी कर्म करने से पहले उसका दूर का परिणाम सोचकर फिर ही कर्म करना, ऐसे ही कर्म ना कर देना, क्योंकि जब परिणाम आएगा फिर हम कहेंगे मेरे भाग्य में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कर्म करने से पहले हमने परिणाम के बारे में नहीं सोचा। तो इसलिए आंखें हमेशा छोटी, ये नहीं अभी अभी तो कर दो ना, आगे की किसने सोची, नहीं, वो दूरादेशी नहीं होता है। दूरादेशी अर्थात आज हम जो शब्द लिखते हैं, हम जो शब्द बोलते हैं, हम जो शब्द पढ़ते हैं सुनते हैं, उसका एक परिणाम होने वाला है, और वो परिणाम सिर्फ हमारा भाग्य नहीं देश का भाग्य बनाता है। तो हमें अपने कर्मों पर कितना टेंशन होना चाहिए। इसलिए श्री गणेश जी की आंखें बहुत छोटी, दूरादेशी। फिर श्री गणेश जी के कान कैसे हैं? आंखें इतनी छोटी और कान इतने बड़े हैं। इतने बड़े कान अर्थात सूप के बड़े कान हैं कि ऐसे नहीं हर चीज को सुनते जाओ, सिर्फ जो काम की बात है वही सुनो, बाकी को तो छान के बैंक के बैंक फिनिश कर दो। क्योंकि श्री गणेश जी जैसा विघ्न विनाशक बनना है अगर, तो फिर जो चीज़ें नकारात्मक हैं, किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया, किसी ने इधर कुछ कह दिया, हम सुनते रहते हैं। एक है प्रोफेशनली हमें जो सुनना है, हम प्रोफेशनली कोई बात नहीं कर रहे अभी, पर्सनली चेक करें कि हम सारा दिन में कैसी कैसी बातें सुनते रहते हैं, वो सारी बातें यहाँ बैठ जाती हैं और हमारी विजडम को, हमारी प्योरिटी को घटाती हैं। तो आज से हम सबके कान कैसे, आज से हम सबके कान कैसे सूप जैसे। सूप क्या करता है? काम की चीज को रखता है, बाकी सारी चीज को जान के फेंक देता है। फिर गणेश जी की सूप देखो, एक सुई को भी उठा देती है, एक छोटे से बच्चे को भी इतने प्यार से उठा देती है, और एक बड़े से बड़े वृक्ष को भी उखाड़ सकती है। अर्थात सॉफ्ट भी बनना है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी बनना है। इतने कड़क नहीं बनना कि कोई एक्सप्लॉइट कर दे, लेकिन इतने कड़क भी ना बनना कि नम्रता भी खत्म हो जाए। तो सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग दोनों का बैलेंस तो श्री गणेश जी ने। और फिर उनका पेट कैसा है, श्री गणेश जी का पेट कैसा है? श्री गणेश जी का पेट इतना बड़ा है, तो वो इतना बड़ा पेट किस चीज़ का प्रतीक है? समाने की शक्ति। जब कोई हमें कोई बात सुनाता है तो क्या कहता है? अपने ही पेट में रखना। आप सबका तो रोल है सबकी बातें सबको सुनाना, लेकिन वो प्रोफेशनल रोल है। पर्सनल संस्कार क्या है? पर्सनल संस्कार में किसी की निंदा, किसी की कमजोरी, किसी की बात इधर से उधर करना, ये गणेश जी का संस्कार नहीं है। ये विघ्न विनाशक दुखहर्ता सुखहर्ता का संस्कार नहीं है। तो आज से हमारा पेट कैसा बड़ा, जिसमें हमें किसी की भी कोई बात पता चले, कोई कमजोरी है कुछ, हमें समा लेनी है, हमें समा लेनी है, क्योंकि हम ज्ञान युक्त आत्मा है। फिर गणेश जी के चार हाथ हैं, एक हाथ में कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी अर्थात अपनी कमजोरियों को, विकारों को काटते जाना,
और उसको काटने के लिए दूसरे हाथ में रस्सी है, अर्थात अपने जीवन को संयम और नियम और मर्यादाओं से बांध कर रखना, सेल्फ डिसिप्लिन। संयम, नियम और मर्यादाओं से अपने जीवन को बांधेंगे तो कुल्हाड़ी से कमजोरियों को काटना बहुत सहज हो जाता है। और तीसरे हाथ में क्या है? कमल पुष्प। या तो कमल पुष्प होता है या तीसरा हाथ ऐसे होता है दुआएं देने वाला। तो हम सब कीचड़ में रहते हैं, बहुत कुछ हो रहा है हमारे साथ आसपास कलयुग की दुनिया में, लेकिन ज्ञान मान आत्मा अर्थात कीचड़ में रहते हुए भी कमल पुष्प की तरह प्योरिटी का जीवन जिए, ये हमें श्री गणेश जी सिखाते हैं। और उनके चौथे हाथ में क्या होता है? उनके चौथे हाथ में याद है श्री गणेश जी के चौथे हाथ में क्या होता है? श्री गणेश जी के चौथे हाथ में होता है या तो मोदक या फिर बूंदी का लड्डू। अब देखो मोदक और बूंदी का लड्डू क्यों है? क्योंकि श्री गणेश जी हमें सिखाते हैं कि जब हम ऐसी वाली आत्मा बन जाएंगे ना, हम सबके साथ रिश्ते जो है ना वो बहुत प्यारे बन जाएंगे, हम सबके साथ बहुत यूनाइटेड होकर रह सकते हैं। क्योंकि मोदक और बूंदी का लड्डू बिना गणेश जी के तो बन ही नहीं सकते। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, श्री गणेश जी के हाथ में मोदक दिखाते हैं, कभी उनको खाते हुए नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब ये सब कुछ दूरादेशी बन गए, विशाल बुद्धि बन गए, ज्ञान मुक्त बन गए, अपने विकारों को काट दिया, बहुत ज्ञानवान आत्मा बन गए। लेकिन अगर महिमा मिली तो उस महिमा को कभी स्वीकार नहीं करना है, इसलिए वो लड्डू हमेशा हाथ में होता है, उसको खाया नहीं जाता है। क्योंकि जैसे ही महिमा को स्वीकार किया तो अहंकार बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा। और श्री गणेश जी बैठते कैसे हैं? उनका एक पांव नीचे होता है और दूसरा पांव ऊपर होता है। दुनिया को नहीं छोड़ना है, दुनिया में ही रहना है, तो एक पांव नीचे टच करता है। लेकिन दुनिया के अंदर की जो नकारात्मकता है वो मुझ आत्मा के ऊपर मैल के रूप में ना आए। तो हमेशा दुनिया में रहना, लेकिन दुनिया की वाइब्रेशंस जो नेगेटिव है उससे डिटैच रहना। और इतनी सारी प्योरिटी धारण करके गणेश जी का वाहन क्या है? हम सबको पता ना गणेश जी का वाहन क्या है? तो हमने कभी सोचा नहीं, सर्वगुण संपन्न सुधा कला संपूर्ण देवी देवता, और वाहन कैसा है? तो उसका अर्थ है कि जो आत्मा, जो कि हम सब हैं आज से, जो आत्मा इन सारे गुणों को धारण कर लेगी वो विकारों के ऊपर जीत पा लेगी, विकार उसके नीचे रहेंगे और वो विकारों के ऊपर होगी। क्योंकि चूहा क्या करता है? चूहा बहुत धीरे से कहीं भी घुस जाता है। आप देखो, आप सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करो फिर भी चूहा एंट्री कर लेता है घर के अंदर। कहते चूहा आया तो आया कहाँ से? तो आता है बड़े धीरे से आता है। आपको कभी किसी चूहे ने काटा तो नहीं होगा, इसलिए आपको ये पता नहीं होगा। लेकिन चूहा जब काटता है ना, तो उसको जिसको काटता है उसको पता नहीं चलता है, वो एक बहुत ठंडक अर्थात एक एनेस्थीशिया इफेक्ट देता है, बाद में दर्द होता है। इसी तरह हमारे जीवन में जो विकार आते हैं ना, एक तो धीरे से घुस जाते हैं, कहाँ से घुस जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और जब घुसते हैं तो शुरू में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत आकर्षित लगते हैं, बाद में दर्द मिलता है। इसीलिए चूहे के ऊपर श्री गणेश जी का वाहन चूहा है। तो हम सब यहाँ आए हैं श्री गणेश जी जैसा दुख हरता सुख करता विघ्न विनाशक बनने के लिए, क्योंकि उन जैसा बनना ही अर्थात श्री गणेश चतुर्थी को सही रूप में मनाना। और इसीलिए हम सब परमात्मा जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो शिव निराकार परमात्मा के घर हम आए हैं ताकि वो शिव परमात्मा हमारे विकारों रूपी अहंकार रूपी सर को काट के ज्ञानवान गुणवान और सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा वैसा सर हम सबको लगाए। जब हम यहाँ से हम वापस जाएं तो सही मायने में सिर्फ अपने लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, लेकिन देश के लिए विघ्न विनाशक दुख हरता सुख करता आत्मा, सत्युगी आत्मा, स्वर्णिम भारत लाने वाली आत्मा ही हम यहाँ से बनकर जाएंगे। ये हम सबकी आज पहले दिन से ही प्रतिज्ञा है। बहुत बहुत शुक्रिया।
कहते हैं आपको ईश्वर में समाप्त दी जाएगी। अंतःकरण से धन्यवाद शिवानी जी का। एक्चुअली मीडिया प्रोफेशनल और मधुबन दास दोनों ने अलग अलग हमसे